में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शहादत दिवस पर इस साल भी बलिदान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया रहे। कोरोना महामारी को देखते हुए कार्यक्रम छोटा और गाइडलाइन के पालन के लाख दावे के बाद भी लेकिन मेले में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। खुद जयभान सिंह पवैया और उनके समर्थक बिना मास्क पहने घूमते नजर आए। हालांकि दावा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के किए जा रहे थे। अठारह जून को रानी का बलिदान दिवस हम लोग उनको श्रद्धा से अर्पित करके मनाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। आज़ादी के इन दीवानों से आज हो सकता है देश के लिए मरने की ज़रूरत नहीं हो, पर देश के लिए जीने की ज़रूरत है। कैसे जीना है रानी ने सिखाया, और आज उन्हीं से प्रेरणा लेने के लिए दो दिन का कार्यक्रम आयोजित होता है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, बड़े कार्यक्रम नहीं हो सकते, इसलिए संक्षेप में आज का ये मशाल स्थापित करने का कार्यक्रम हुआ है। कल भी इसी तरह से शॉर्ट में छोटी छोटी टोलियों में यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। मैं ग्वालियर के सभी मेरे निवासी भाइयों बहनों को निवेदन करना चाहूँगा कि नियमों का पालन करते हुए बराबर सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए रानी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। ग्वालियर में वीरांगना के बलिदान स्थली पर हम लोग 20 सालों से वीरांगना बलिदान मेला का आयोजन करते रहे हैं। इस बार प्राकृतिक आपदा कहें, प्रकोप कहें, कोरोना संकट और कोरोना संकट में निर्धारित तो जो सीमाएं हैं उनके कारण हमने ये मानकर कि यही शहीदों को सच्चा नमन होगा कि हम कार्यक्रम को संक्षेप करें, किसी के प्राणों को खतरे में नहीं डालें। क्योंकि जो हम नाट्य मंचन करते हैं 200 पात्र तो उसी में हैं, तो हजारों की संख्या को बुलाकर हम कोई संकट नहीं ले सकते। प्रदेश के सीएम